नमस्कार दोस्तों, माय प्राइमरी सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से आप अपने YouTube चैनल के लिए कस्टम इंट्रो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैं लास्ट में बताऊँगा कि काइनमास्टर एप्लीकेशन को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करते हैं। जब आप काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको प्लस के साइन पर क्लिक कर देना है। प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और एम्प्टी प्रोजेक्ट। तो आपको एम्प्टी पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मिलेगा ऊपर में मीडिया ब्राउजर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बैकग्राउंड से ही इमेज लें, क्योंकि अगर आप गूगल इमेज लेते हैं या इधर उधर से इमेज लेते हैं तो आपको यूट्यूब क्लेम कर सकता है कॉपीराइट का। तो दोस्तों, आप जब भी इमेज लें तो बैकग्राउंड से ही लें। तो यहाँ से हम वाइट इमेज ले लेते हैं और आप देख सकते हैं इसकी साइज है 5.9 सेकेंड। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, 7 सेकेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इधर स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ क्लिक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ से मीडिया से अपना चैनल का लोगो सेलेक्ट कर लीजिए। अब जिस फोल्डर में आपका चैनल का लोगो होगा वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने अपना लोगो सेलेक्ट कर लिया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इतना बहुत प्यारा लग रहा है। इसको थोड़ा सा यहाँ सेट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा खींच करके उतने ही साइज का कर देना है जितने साइज का आपका बैकग्राउंड कवर है। तो दोनों बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा इफेक्ट डाल देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इन एनिमेशन, तो आपको इन एनिमेशन पर क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा पॉप का, POP, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए इधर आपको टाइमिंग दिखाई देगा, तो इसको थोड़ा सा 1.5 कर देना है, ठीक है। अब 1.5 करने के बाद इसको ओके कर देना है। अब देखिए, चलिए प्ले करके देख लेते हैं, कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको देखिए जहां पर ये खत्म हो रहा है, देखिए ये एनिमेशन जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, एनिमेशन के ख़त्म होते ही देखिए ख़त्म हो गया, इसको रोक देते हैं यहाँ पर लेते हैं। फिर जाते हैं लेयर में और यहाँ पर टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से हम टेक्स्ट लेते हैं और इसमें लिखते हैं youtube.com/ अपने चैनल का नाम। तो यहाँ पर हम डालेंगे माई प्राइमरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, ओके कर देते हैं और इसको स्क्रॉल करके देखिए, स्क्रॉल आप अपने उंगली से जहां मर्जी वहां कर सकते हैं बिल्कुल। अब इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, और इसको यहां पर रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैंची के बगल में आपको एक कलर का ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर वाइट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है ब्लैक, और या आप जिस कलर का सेलेक्ट करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फिर से इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा शैडो का, इसका शैडो ऑफ कर देना है। अब आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको AA करके दिखाई दे रहा है, ए कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसका मतलब है फॉन्ट है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट दिखाई देंगे, तो आप नीचे आ जाइए
और लेटिन भी मिल जाएंगे आपको यहाँ से, और यहाँ से एंड्रॉयड फॉन्ट है तो मैं एंड्रॉयड ही यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आप यहाँ से रोबोटो बोल्ड ले लीजिए और इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा एनिमेशन लगा देते हैं, फिर जाते हैं इन एनिमेशन में और यहाँ हम लगाते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्केलर लगाएंगे हम, तो स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए कन्वर्जन है तो कन्वर्जन पर क्लिक कर देते हैं, देखिए कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो इसको भी टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक ओके। अब क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं, और देखिए इसका जहाँ लास्ट है तो इस पर क्लिक करते हैं एक बार फिर से टेक्स्ट पर, और एक कैची का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको काट देते हैं, स्ट्रीम कर देते हैं इधर का पोर्शन, ठीक है। अब बराबर लग रहा है चारों तरफ से। अब क्या करते हैं, इन एनिमेशन तो दे दिए, अब दोनों पर आउट एनिमेशन देते हैं, टेक्स्ट पर भी और लोगो पर भी। तो सबसे पहले लोगो पर देते हैं, इसके लिए आउट एनिमेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए इस पर क्लिक करते हैं और चले आते हैं नीचे, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, देखिए स्केल ऑफ है, इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं टेक्स्ट पर और इसमें भी जाते हैं आउट एनिमेशन में और स्केल अप कर देंगे इसको भी, यहाँ से स्केल अप, ठीक है। अब ओके करते हैं, अब इसको जरा एक बार प्ले करके देख लेते हैं, यहाँ से हम प्ले किए ऐसे जाएगा, अब आएगा हमारा टेक्स्ट और ये चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं या आप थोड़ा सा मेरी तरह ब्लर भी कर सकते हैं इसको। तो ब्लर कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जब यहाँ पर जाए आपका यहाँ पर, तो आप लेयर पर क्लिक कीजिए और यहाँ आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा एफएक्स, इस पर क्लिक कीजिए, बेसिक इफेक्ट्स, और यहाँ ब्लर है इस पर क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको क्या कीजिए, आप थोड़ा सा इधर लाइए, थोड़ा सा इधर, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ, और आप क्या कीजिए, यहाँ स्ट्रीम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कैंची है, इस पर क्लिक कीजिए और इसको और थोड़ा सा इधर कीजिए, और थोड़ा सा जहाँ से कटने लायक हो जाए, और इसको राइट साइड का काट दीजिए, स्ट्रीम कर दीजिए। अब देखिए, अब देखिए थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है, देखिए। अब क्या करते हैं, इसमें म्यूजिक लगाते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ बिल्कुल पूरा। यहाँ से एक म्यूजिक सेलेक्ट करते हैं, ये म्यूजिक लगा देते हैं, 7 सेकंड की है तो ये भी म्यूजिक 7 सेकंड की है, तो ये म्यूजिक लगाते हैं, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फटे आउट का आ रहा है, फटे आउट आ रहा है ना, तो इसको क्या करते हैं ऑफ कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि लास्ट में हमारी साउंड खत्म हो जा रही थी, तो इसको ऑफ कर देते हैं। अब फिर से एक बार देखते हैं, अब देखिए थोड़ा सा इफेक्ट पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इफेक्ट जो है ये पूरे स्क्रीन पर नहीं है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि चारों तरफ पूरे स्क्रीन पर आए, ये यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं। अब चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं, इसको एक बार बैक आते हैं और अच्छे से फुल स्क्रीन में प्ले करके देखते हैं इसको। अब यहाँ से प्ले करके चेक करते हैं, देखिए तो दोस्तों इस तरह से आप अपने YouTube चैनल के लिए एक कस्टम इंट्रो बना सकते हैं। अब इसको सेव कैसे करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और सेव वीडियो, और यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लीजिए, HD करना है, हाई डिफिनेशन करना है, मीडियम करना है, लो क्वालिटी करना है। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल माई प्राइमरी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल माई प्राइमरी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यह कैसा आपको वीडियो लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ आप हमें ये भी बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद की वीडियो लाएँ। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो किसी नए ट्रिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।